92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, अवध छोड़ प्रभु बन को धाए, सिया राम लखन गंगा तट आए, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुंचाओ, केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी, मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होए पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कितना सुंदर ये प्रसंग है, अहिल्या उद्धार का इसमें संकेत आता है। अहिल्या जिसको शाप देकर एक शिला बना दिया गया था, पत्थर बना दिया गया था, लेकिन यह भी साथ में कहा गया था कि भगवान राम आएंगे, उनके चरण इस शिला को लगेंगे और फिर से अहिल्या बन जाओगी। और वही हुआ, ईश्वर पहुंचे, अहिल्या उद्धार हुआ, शिला ने फिर से नारी अहिल्या का रूप ले लिया। यहां केवट ये कह रहा है कि मेरे पास एक ही नाव है और मैंने सुना है कि आपके पैर किसी पत्थर को लग गए तो उसने नारी का रूप ले लिया, तो मुझे डर है कि आपके पैर आपके चरण मेरी नाव को लग गए तो कहीं मेरी नाव नारी का रूप ना ले ले तो मेरा क्या होगा। और उसके बाद केवट ने प्रभु के चरण पखारे, पहले चरण धोए, चरण अमृत पिया और फिर ले चला उस पार। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। तो ये था आज का सहर और कल के सहर में आपसे फिर मिलते हैं। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7